आईफोन 11 का ओपनिंग करते हैं, ये इसका बिल वगैरह कुछ भी। ओ शिट, सेकंड हैंड भी दे दिया, ये क्या है गाइस, बहुत बड़ा पोपट हो चुका है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी गाइस सुबह के टाइम 11:30 और फाइनली गाइस जो था मैं जग चुका था, और नहीं जग तो गया था 9:30 के लगभग, पर 11 बजे से इस टाइम जो था ना मैं फिलहाल नहा धोकर सीधा छत पर आया था, वो गाइस नहा लिया हूँ। और मेरे पीछे गाइस वेदर का जो सूट है क्या नाक, क्योंकि गाइस काफ़ी 2-3 दिनों से मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखा है, जिससे ना काफ़ी ज़्यादा बारिश, हवा और तूफान वगैरह काफ़ी ज़्यादा आ रहा है इन चीज़ों में। तो मैं सीधा फिलहाल ऊपर आया क्योंकि कपड़ों का डर रहता गाइस, क्योंकि इसलिए हम बहुत कम नॉर्मल कपड़े नीचे सुखाते हैं आता, और कम बहुत कम होते हैं जो कपड़े हम ऊपर ही सुखाते हैं। फिलहाल देख सकते हो 2-3 जार कपड़े जो ऊपर सूख रहे हैं, 2-3 गिर चुके हैं क्योंकि हवा को देख के गाइस, क्योंकि हवा काफ़ी ज़्यादा चलती है। और अभी फिलहाल देख सकते हैं बादल अभी भी हो रखे हैं ऊपर, इधर साइड इधर साइड और इधर साइड तो अभी खाली खाली ना, सब बादल बादल हो रखे हैं। पर यही चीज़ है इसका डर, इसलिए हम थोड़े कम कपड़े सुखाते हैं ऊपर। पर अपने एक फ़ायदा होता है गाइस ऊपर, क्योंकि अपने जो पौधे होते हैं ना उनमें पादप, उनमें जो ना पानी का प्रवेश हो जाता है, पानी इनमें सारे में लग चुका है। पर 2-3 गमले और बचे हमारे, फिर 2-3 गमले हमारे जो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका था, क्योंकि बंदर आ गए थे गाइस छतों पे, और छतों पे गाइस गाइस आपको पता ही मथुरा है, मथुरा वृंदावन में काफ़ी ज़्यादा वो रहते हैं बंदर वगैरह, जिससे डर रहता थोड़ा बहुत। और एक चीज़ गाइस की मैंने ना एक आईफोन एक्सेस, मैंने एक मतलब अभी जो गाइस की मैंने एक चिंता की, आप गैस करना कि मैं क्या कहने वाला हूँ गैस, मैं ये कहने वाला हूँ कि मैंने एक आईफोन 11 मैंने एक ऑर्डर किया था ब्लैक कलर में, जो आज आ चुका है, मतलब कल आ गया था रात को, पर मैं दिखा नहीं पाया था, तो आज मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आइए फिलहाल अभी चलते हैं नीचे, क्योंकि तो 2-3 दिनों से मैं इसलिए ब्लॉग नहीं कर पा रहा था, काफ़ी ज़्यादा बारिश और बादल की और लाइट वगैरह नहीं आ रही थी इधर, तो लाइट की से बैटरी नहीं होती फोन में, पर मैं आज शुरू कर रहा हूँ। तो फाइनली अभी चलते नीचे, गाइस नीचे आ चुके हैं। और अभी गाइस मैं आपको चीज़ बता दूँ कि हमारी जो सोसाइटी मथुरा में, मतलब सारे जगह सिटियों में हुआ होगा, पर हमारे मथुरा सिटी में ये हो रहा है कि जितने भी घर हैं जिनकी खुद पर्सनल, तो उन्होंने एक गैस पाइपलाइन निकाल दिया है ऊपर से, क्योंकि नहीं अंडरग्राउंड लाइन चलेगी नीचे से, पर ऊपर एक फिटिंग होती है अंदर, जो आपको दिखाता हूँ फिलहाल अभी अंदर। तो गाइस जैसे तो ये एक पाइपलाइन है, मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ। तो गाइस ये एक पाइपलाइन है इधर से, मतलब यहाँ से तो ये खुला हुआ है, इसको ऊपर ओपन डाउन मतलब यहाँ से खुलता है, ये टाइट हो रखा है इन लोगों की वजह से, क्योंकि कल एक मिस्त्री तो आए थे और ये को कस के चला गया, मतलब एक पूरा मतलब 2-3 घंटे लगे थे तो कसने में, तो फाइल भी गेट लगाते हैं। फिलहाल अभी गाइस अंदर तो आ चुके हैं, और अपनी जो सेंकी है गाइस और रॉक्सी, सेंकी तो गाइस अभी काफ़ी ज़्यादा ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ना हमने अभी इसके मतलब परसों में बैठने नहीं गए थे, परसों मतलब इसके जो कुछ टेस्ट वगैरह कराए थे तो नॉर्मल आए थे, कुछ ड्यूटी वगैरह नहीं था, पर इसका थोड़ा डैमेज हो रखा था, इसलिए इसकी विटामिन डी और जितनी भी दवाई वगैरह हैं सारी गोली वो सर हम उसको दे रहे हैं, जिसको थोड़ा फर्क भी लग रहा है परसों। रॉक्सी इधर सो रही है इसकी साइड में, इसकी मम्मी, और अपना गाइस वही चीज़ दिखाते हैं जो आज हमने मंगाया था। तो पहले फिलहाल अभी दर्शन नीचे के दर्शन लेते हैं। और जो है ना गाइस, मैंने वो फ़ोन गाइस पूरे महीने बाद मंगा रहा हूँ, क्योंकि पहले उसको मैं टेस्ट करता हूँ ब्लॉगिंग की, पहले इस आईफोन 11 चला था, आईफोन एक्सेस करा था, पर मैंने आईफोन 11 ऑर्डर किया था, आईफोन 11 की शूट दिखाते हैं आपको। कल अभी आ चुके हैं हम अंदर रूम के, और गाइस गेस करना कि मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ। तो 1, 2 और 3 ये देखिए गाइस आईफोन 11, बस आईफोन 11 लिया था, प्रो वगैरह कुछ नहीं था, मैंने अभी 11 मंगाया था, तो पहले 11 से हम शूट करेंगे, उसके बाद अगर आप अच्छा लगा तो मैं आईफोन 12 भी ऑर्डर करूँगा। तो इसका एक सजीद का चार्जर भी आया है, जिसका बोल के दिखाता हूँ मैं आपको पूरा। गाइस बहुत बड़ा पोपट हो चुका है, मैंने एकदम नया नया मंगाया था, और ये क्या मेरे मतलब अब मेरे को ऊपर ही मतलब कुछ नहीं गया, इसे मतलब देखना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा इसकी, मतलब भैया से पूछना पड़ेगा कि इसकी कंप्लेंट डालनी पड़ेगी कि मैंने ऑर्डर किया था पर आईफोन एक्सेस ऑर्डर आके आया, ये क्या वो भी व्हाइट कलर में, मेरे को व्हाइट कलर की जरूरत ही नहीं है उस चीज़ की। तो अभी देखते हैं फिलहाल अभी क्या होता है। घर तो मैं आ चुका हूँ, और अभी जो दोपहर की टाइमिंग है आपके 3 बज चुके हैं पूरे, और गाइस काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे हम लोग, फिर दुकान पर बैठे हुए थे, फिलहाल पापा आए थे, पापा ने खाना खाया, फिर हम लोग रह गए थे चौमर में, तो फिलहाल अभी चलते दुकान पे ही, क्योंकि एक जने को तो रहना पड़ता उधर, तो फिलहाल सीधा फिर मैं ही आ गया इधर घर पे। तो आ चुका हूँ, और ऊपर वाला ट्रैक्टर जो हमने खोल दिया, क्योंकि अब बारिश कम नहीं थी ना, पूरा ऊपर ढका रहता था ना, तो पूरे में अब ये इस पर देख के धूप वगैरह थोड़ी बहुत आ जाती है, जिससे हल्का खुला रहता, खुला खुला सकता था घर। और
इधर अपना गाइस खाना बन रहा है, तो खाना फिलहाल अभी इधर रेडी हो रहा है। फाइनली अपने खाना रेडी चौथा खाने में से पराठा करेला सब्जी एंड मिर्च, तो दूध फाइनली अभी खाते हैं खाना। फिलहाल अभी सीधा मिलते हैं आपसे दुकान पे जब शो में यहाँ पर आ जाएगा। अभी शाम के टाइम में 5 बज चुके हैं और अभी गाइस हम लोग जा रहे हैं। फिलहाल की सीन कुछ ऐसा है कि आज हम लोग जा रहे हैं बाहर, थोड़ा 100 करोड़ कुछ कपड़े थे जो लौटाने थे शो के, तो फिलहाल अभी मम्मी रेडी हो चुकी है और बाइक अपना ग्रुप रेडी हो चुका है, तो फाइनली बाइक रेडी हो चुकी है, तो चलते हैं फिलहाल। ग्रुप इधर लगा दिया, बैक साइड में लगा दिया और अभी हल्की हल्की भीड़ है, तो अभी आइए गाइस थोड़ा आगे चलते हैं सब्जी वगैरह लेकर। ज़्यादा भीड़ रहती है मंडी में, तो मम्मी उधर साइड मिल चुकी हैं खाने पे। कितनी ज़्यादा भीड़ है गाइस, मेरे पीछे देख सकते हो। मथुरा की मंडी में गाइस इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है, नॉर्मल शाम के टाइम सुबह तो काफ़ी ज़्यादा, पर शाम को ना बहुत कम हो जाती है भीड़, ना काफ़ी ज़्यादा खड़े होने में लग जाएगी मिलती है। थोड़े बहुत सब्जी ले लीजिए और अब चलते हैं गाइस 100 करोड़ पे। फाइनली अभी बहुत बड़ा इशू की अपनी जो पेट्रोल मतलब गाड़ी की है वो खत्म हो चुकी है, और थोड़ा बहुत पेट्रोल है जिससे हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं घर पहुंचने के लिए, तो अभी तो फिलहाल अभी हम अंदर आ चुके हैं, तो फाइनली अभी शॉप के अंदर चलते हैं। तो अपनी गाइस एक ये टी शर्ट और अपनी ये टी शर्ट चेंज हो रही है, फिर इसके बाद हमने चेंज कर दिया, मम्मी पसंद करेंगे इसके बाद। चलो बताओ मम्मी ले लेंगी शर्ट है शॉप के लिए लोवर, और गाइस मेरा काफ़ी ज़्यादा शॉप हो रहा है, ग्रीन एंड ब्लू में ज़्यादा बेटर लगता है उसको फील। तो गाइस ये वाली पसंद कर ली है, अब इसको पैक कराते हैं फिर चलते हैं। अब आप मिलेंगे गाइस घर पे, घर तो आ चुके थे और शॉपिंग करके, और ये गाइस बहुत बड़ा पोपट की हमारी पेट्रोल हो चुकी है गाइस वहाँ से खत्म, तो मैं 1 किलोमीटर पैदल चला क्योंकि गाइस किसी ने हेल्प भी नहीं की थी, और फिर वहाँ से 1 किलोमीटर पैदल चला, इसलिए मैं ब्लॉग ही नहीं कर पाया, फिर 1 किलोमीटर पैदल चला, फिर पेट्रोल वहाँ से भरवाई, फिर मैंने 50 रुपये की फिर पैसे आ जाते थे नहीं, मैंने फिर थोड़ा वॉक पे किया, फिर मतलब 1.5 रुपये पेट्रोल डलवाई, फिर वहाँ से आया, फिर सीधा फिर पेट्रोल मम्मी को वहाँ से पिकअप किया, फिर घर आए थे हम लोग। और इधर गाइस फिलहाल अपनी रॉक से बैठ चुकी है और कूलर चल रहा है काफ़ी देर से, तो अभी फिलहाल अभी गाइस चलते हैं गाइस रूम के अंदर और अपना खाना भी खाते हैं। गाइस रूम के अंदर आ चुका हूँ और अपनी गाइस दो जो तस्वीर अगर इनको साफ किया था गाइस, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धूल मतलब इनको धूल वगैरह लग जाती है और जो उमस होते हैं ना उसके हल्की धूल वगैरह आती है, इनको साफ़ करना पड़ता है हर हफ्ते वगैरह, इनको सब साफ़ कर दिया है। और अपनी एसी गाइस अब काफ़ी ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है क्योंकि अब जून का महीना है, फिर जुलाई स्टार्ट हो जाएगी, जुलाई अंत तक मतलब ठंड रहती है, पर अगस्त में हल्की हल्की ठंड मतलब नॉर्मल हो जाती है, ज़्यादा गर्मी नहीं, फिर उसके बाद सेप्टेम्बर लग जाता है, हार्ड फिट ठंडों का विंटर सीजन स्टार्ट हो जाता है। और फिलहाल अपने जो खाना गाइस सब रेडी हो चुका है, खाने में गाइस आज पुलाव, तो अभी फाइनली भी खाते हैं खाना, गाइस खाना तो खाली है। और फिलहाल अभी जो फिलहाल मैं नहा धोकर हो चुका था गाइस रेडी, और जो अभी तो मेरे को करना है इस ब्लॉग का एडिटिंग भी, और कहते हैं आज मैंने शॉर्ट ब्लॉग करते हैं ब्लॉग एंड, आई होप आप लोगों को पसंद है, वो पसंद है लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।